अशोक कुमार सिंह ग्राम प्रधान प्रतापपुर विकास खंड नारायणपुर परसोधा चुनार मिर्जापुर की तरफ से आप सभी क्षेत्रवासियों को नववर्ष गणतंत्र दिवस और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही ग्राम प्रधान ग्रामवासियों से ये भी अपील करता है कि गांव को स्वच्छ बनाएं और स्वच्छता पर विशेष अपना सहयोग दें, शौचालय का प्रयोग करें, खुले में शौच ना करें। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि आज, देश भर में सीए के खिलाफ होगा प्रदर्शन, राजघाट पर बनाई जाएगी मानव श्रृंखला, पीएम मोदी राष्ट्रपति ने दी बापू को श्रद्धांजलि। तृणमूल में शामिल हो सकते हैं प्रशांत किशोर, सीआईसी गलियारे में चर्चा तेज, प्रशांत किशोर को जेडीयू ने बुधवार को पार्टी से कर दिया है निष्कासित। पहली बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ चुनावी मंच साझा करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दिल्ली में करेंगे प्रचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को दिल्ली विधानसभा के लिए नजफगढ़ में की सभा, कहा अपने 56 साल के जीवन में अरविंद केजरीवाल जैसा झूठा इंसान नहीं देखा। वहीं पाक में पैदा हुए यूरोपियन संसद के सदस्य शफाक मोहम्मद सीए विरोधी प्रस्ताव पर नहीं हुए कामयाब, यूरोपियन संसद में वोटिंग अब मार्च में होगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नेशन लाइव में, मैं हूं आपके साथ बबली शर्मा। आज पूरे देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गौडसे ने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम और कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राजघाट जाकर बापू को श्रद्धांजलि दी। इससे पहले ट्विटर के जरिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और रक्षा मंत्री ने राष्ट्रपिता को नमन किया था, जहां राष्ट्रपिता ने कहा है कि बापू हमारे लिए बिना शर्त दूसरों से प्यार करने का मंत्र छोड़कर गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें नमन किया है। राज्य के सीआईसी गलियारे में इस बात की चर्चा तेज है कि तृणमूल के सीआईसी रणनीतिकार प्रशांत किशोर जल्दी तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। प्रशांत किशोर को जेडीयू ने बुधवार को पार्टी से निष्कासित कर दिया। संपर्क किए जाने पर तृणमूल कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने इस तरह के किसी घटनाक्रम की पुष्टि नहीं की है, लेकिन निकट भविष्य में इस तरह की संभावनाओं को खारिज भी नहीं किया। तृणमूल कांग्रेस के लिए चुनावी रणनीतिकार की भूमिका निभा रहे प्रशांत किशोर से संपर्क करने की कोशिशें की गई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरह की प्रशांत किशोर भी नागरिकता संशोधन कानून, राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर की आलोचना करते रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहली बार किसी चुनावी मंच से एक साथ दिखेंगे। दिल्ली चुनाव के लिए अमित शाह और नीतीश कुमार बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में साझा रैली करेंगे। यह रैली 2 फरवरी को जेडीयू उम्मीदवार शैलेंद्र कुमार के लिए होगी। बता दें कि दिल्ली चुनाव में बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इसके तहत जेडीयू को 2 सीटें मिली हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव और दिल्ली के लिए पार्टी इंचार्ज संजय कुमार झा ने बताया कि यह पहली बार होगा जब नीतीश जी किसी चुनावी रैली के लिए अमित शाह के साथ मंच साझा करेंगे। बिहार के मंत्री संजय झा ने बताया कि बिहार सीएम जेडीयू उम्मीदवारों के समर्थन में 2 फरवरी को 2 रैलियां करेंगे। ये उम्मीदवार बुराड़ी और संगम विहार सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो वही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को दिल्ली विधानसभा के लिए नजफगढ़ में सभा की है। उन्होंने कहा कि अपने 56 साल के जीवन में अरविंद केजरीवाल जैसा झूठा इंसान नहीं देखा। केजरीवाल ने हमेशा बंगला और कार नहीं लेने की बात की, लेकिन उनके पास दोनों हैं। शाह ने कहा कि जब 8 फरवरी को वोट करेंगे तो आप यह मत सोचना कि आपका मत सिर्फ एक विधायक बनाएगा, एक एक वोट कीमती है। आपके एक वोट से पूरे देश में यह संदेश जाना चाहिए कि दिल्ली की जनता शाहीन बाग के साथ है या भारत माता के बेटे के साथ। केजरीवाल और कांग्रेस ने लोगों को नागरिकता कानून के खिलाफ उकसाया। ये लोग कहते हैं कि मैं शाहीन बाग के साथ हूँ। मैं फिर केजरीवाल से पूछता हूँ कि आप दिल्ली के लोगों को बताएं कि क्या आप शाहीन बाग के साथ हैं। उन्होंने कहा माँ यमुना को हम स्वच्छ कर देंगे, निर्मल कर देंगे। केजरीवाल जी, मैं आज आपको यहां से चुनौती देता हूं, शर्ट निकालकर गंगा जमुना जी में एक डुबकी लगा दो, जरा आपको मालूम पड़ जाएगा जमुना जी का पानी कैसा है। मित्रों,
मैं केजरीवाल को कहना चाहता हूं, नदियां कैसे शुद्ध होनी है सीखना है तो प्रयागराज के कुंभ में जाते और डुबकी लगाते। योगी जी और मोदी जी ने गंगा जी को शुद्ध कर दिखाया। तो वहीं यूरोपीय संसद में सीए विरोधी प्रस्ताव पर वोटिंग फिलहाल के लिए मार्च तक टल गई है। भारत के लिए यह बड़ी कूटनीतिक सफलता बताई जा रही है। भारत के लिए राहत की बात जरूर है कि यूरोपीय संसद में बुधवार को होने वाली प्रस्तावित वोटिंग टल गई है। आज संसद में नागरिकता कानून के विरोध में चर्चा जरूर होगी। वोटिंग अब मार्च के महीने में होगी। यूरोपीय संसद में यह प्रस्ताव संयुक्त तौर पर 5 प्रभावशाली राजनीतिक समूहों की ओर से पेश किया गया। 751 सदस्यों के समूह में सेंटर राइट से लेकर अति वामपंथी विचारधारा के 500 से अधिक सदस्य थे। जिस वक्त यह प्रस्ताव आया उस वक्त कुल 483 प्रतिनिधि मौजूद थे। मतदान के वक्त 13 सदस्य अनुपस्थित रहे और 483 सदस्यों में से 271 ने वोटिंग बढ़ाने के लिए मतदान किया जबकि 199 ने इसके विरोध में मतदान किया। बढ़ने आगे बीजेपी के चायल विधायक संजय गुप्ता के कार्यालय में उस समय हड़कंप मच गया जब कृषि विभाग के एक बाबू ने अपने ही विभाग के अधिकारी और कर्मचारी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया। दरअसल कृषि विभाग का बाबू आशीष कुशवाहा ने चायल विधायक के सामने भ्रष्टाचार का बड़ा खुलासा किया है। आशीष ने सिंधुराज सिंह बाबू सहित कृषि अधिकारी मनोज गौतम पर किसानों और व्यापारियों से पैसा लेने का गंभीर आरोप लगाया है। विधायक ने आशीष कुशवाहा बाबू को आश्वासन दिया है कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराएंगे और जो भी दोषी होगा उस पर कार्यवाही होगी। गौरतलब है कि कुछ महीने पहले विधायक संजय गुप्ता के पास बीज व्यापारियों का एक प्रतिनिधि मंडल मिला था और शिकायत की थी कि कृषि विभाग में बिना पैसे दिए कोई काम नहीं होता। व्यापारियों ने यह भी आरोप लगाया था कि पैसा देने के बाद भी कृषि अधिकारी हम लोगों का उत्पीड़न करते हैं। एक व्यापारी ने कृषि विभाग के एक बाबू को पैसा लेते हुए वीडियो भी बनाया था। फिलहाल चायल विधायक संजय गुप्ता ने आशीष की बात सुनते हुए यह आश्वासन दिया है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होगी और जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। कार्यालय में सिंधुराज सिंह, वो 31 जनवरी को रिटायर होने जा रहे हैं। वीडियो उनका है, हमसे पहले सर 8-7 साल से वही इस कार्य पर पटल पे कार्य करते थे। लाइसेंस उन्होंने बिना चालक अधिकारी का फर्जी हस्ताक्षर 100-150 लाइसेंस बनाया है। पैसे का लेन देन भी सर वही करते थे। वीडियो भी सर उनका है। उनको बचाने के लिए सर बलि का बकरा बनाते मेरे खिलाफ FIR करा दी गई है। सिर्फ मामला सर इतना है। और अधिकारी महोदय विधायक नज़र में ईमानदार बन रहे हैं और बाबू को बलि का बकरा बना रहे हैं। देखिए ऐसा है कि मुझसे कृषि विभाग से संबंधित कौशाम्बी जनपद के बीज व्यापारियों के प्रतिनिधि मंडल मुझसे मिला था और उन्होंने कृषि विभाग में भ्रष्टाचार की मुझसे शिकायत किया था कि बिना पैसा दिए कोई काम नहीं होता है और पैसा लेने के बाद भी कृषि अधिकारी उनका उत्पीड़न करता है। मैंने उप निदेशक उनके उदय भान गौतम जो DD कृषि हैं जो कौशाम्बी में बैठते मैंने उनको बुलवाया था। सारे व्यापारियों के समक्ष वार्ता किया था। उसमें उन्होंने बताया कि जो पैसा कलेक्शन का काम करता है वो आशीष कुशवाहा नाम का बाबू जो है वो पैसा कलेक्शन करता है। उन्होंने कार्रवाई करने का मुझे भरोसा दिया। जिस व्यापारी का पैसा, जिसने बयान दर्ज कराया कि हाँ हमसे इतना पैसा लिया, उस व्यापारी का उन्होंने दूसरे दिन पैसा वापस भी करवाया है जिसकी लिखा पढ़ी में कार्रवाई हुई है और आशीष कुशवाहा के नाम FIR हुई है। आज आशीष कुशवाहा बाबू मेरे पास आया है और उसने मुझे बताया है कि विधायक जी मुझे खाली बलि का बकरा बनाया गया है। सारे पैसे का लेन देन कृषि अधिकारी, उसका नाम है मनोज कुमार गौतम, मनोज कुमार गौतम ने सारा लेन देन किया है और मुझको बलि का बकरा बनाकर। तो वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी गंगा यात्रा तीसरे दिन संबल के गुन्नौर में पहुंची। यहां गंगा यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों को सुनने के लिए कई हजार की संख्या में लोग पहुंचे। बता दें कि 27 जनवरी को बिजनौर से शुरू हुई गंगा यात्रा आज बुलंदशहर के नरौरा से होते हुए संबल जिले के गुन्नौर पहुंची। गंगा यात्रा में केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल, यूपी सरकार के मंत्री सुरेश खन्ना और सुरेश राणा के अलावा राज्य मंत्री गुलाल देवी, बदायूं के सांसद डॉक्टर संगमित्रा मौर्य और गुन्नौर के विधायक अजीत कुमार राजू यादव सहित तमाम नेतागण शामिल थे। इस दौरान गंगा यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। नकाशा ग्राउंड में बने जनसभा स्थल को भव्य तरीके से सजाया गया था। जहां पहुंचे सभी अतिथियों का भव्य स्वागत किया गया। अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और सुरेश खन्ना ने केंद्र और प्रदेश सरकार की गंगा योजना की खुले मंच से तारीफ करते हुए कहा कि मोदी और योगी ने गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए जो पहल की है वह काबिले तारीफ है। हम सबको मिलकर गंगा को स्वच्छ बनाना है। तो चलिए फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे नेशन लाइव। नमस्कार।